Thank you. थैंक यू पूजा. लाइफ में दो चीज का सेटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तो माइक और दूसरा देखो एक्सपीरियंस लोग बोले जिनको सेटिंग करने में बहुत मुश्किल पड़ी होगी. पूजा कैन यू हियर मी? यस. पूजा आपका नाम किसने रखा? कहते हैं माँ बाप ने रखा है. कहते पूछा नहीं आपने? नहीं, बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि मेरी स्पेलिंग इज PUJA. स्पेलिंग किसने फाइनल करी दैट यू कैन आस्क दैट आल्सो आई डोंट नो. अच्छा नहीं, जिसने भी माँ बाप ने रखा तो सोच समझ के नहीं रखा उनको. एक्चुअली मैं आइडिया नहीं होगा कि लड़की बड़ी होके इतनी ब्यूटीफुल लगेगी कि लोगों की पूजा भंग हो जाएगी. I haven't paid him up for this. मैं भी मेरी बुआ से बड़ा नाराज हूँ. हम लोग गुजराती, हमारे नाम रखती है हमारी बुआ. ओवर एक्साइटेड बुआ, देखती नहीं बच्चा कैसे है, उसके गुण कैसे, नाम बदल लिया. मेरी बुआ ने मेरा नाम रखा गौरांग. अभी गौरांग का मतलब होता है गोरा अंग. कौन सा एंगल से? मेरा नाम घनश्याम रखो, श्याम रखो, गुण के हिसाब से नाम रखो. लेकिन नहीं, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है संस्कृत वाले नाम रखने का. संस्कृत के नाम रखेंगे, बच्चे का नाम रखेंगे श्लोक. 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, एक भी संस्कृत का श्लोक नहीं बोलेगा. जितने भी बड़े बड़े बोलेगा गुजराती में बोलेगा और इंग्लिश में बोलेगा. पहला बच्चा आया. हाँ, इस देश में इंसानियत घटती जाती है. आइए हम मिलकर हमारे बेटे का नाम रखते हैं मानव. पहला बेटा हुआ मानव रखा, फिर दूसरा बच्चा आया. अब बड़ा नाम रखे, थोड़ा छोटा नाम रखेंगे, दो ही अक्षर का नाम रखेंगे. चलो अच्छी राशि आई है, इसका नाम रख लेते आदि. अभी सीक्वेंस सेट करना बहुत जरूरी है. सीक्वेंस सेट नहीं हुआ, पार्टी में जाते आदि मानव आओ, पता चला बच्चा आ रहा है धमाल कर रहे. बहुत खतरनाक, नाम सोच के ही रखना चाहिए. मेरे एक दोस्त ने शादी किया. हमारे सोसाइटी में ये ट्रेंड है कि जिसकी भी शादी होती है ना, वो लोग रात को अपनी वाइफ के साथ सेम टू सेम कलर का नाइट सूट पहन के बाहर निकलते हैं. आहा, सात वचन के जो नए नए याद आते हैं ना, तो ऐसे मत हाथ में हाथ पकड़ के ऐसा सोसाइटी का पूरा राउंड निकालते वो लोग. मेरे दोस्त की शादी हुई, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, वाइफ को लेके बाहर नहीं निकला. होगा यार, एक वीक हुआ बाहर नहीं निकला, 10 दिन हुआ बाहर नहीं निकला, 15 दिन हुआ बाहर नहीं निकला. पूरी सोसाइटी में सब लोग नई नई वाइफ को लेके घूमने निकलते, तू क्यों नहीं निकलता? बोला जान लो गौरांग भाई, निकलने जैसा नहीं है. बोला क्यों, तकलीफ क्या है? बोला भाभी मतलब क्या विकलांग है? विकलांग नहीं, सबके सब स्पेपर गौरांग एकदम चकाचक एकदम कंप्लीट है. बोला तो फिर तकलीफ क्या है? बोला भाभी ब्लैक है. ब्लैक? बोले नहीं, ब्लैक नहीं, एकदम गोरी चांद का टुकड़ा. तकलीफ क्या है? भाभी को लेके बाहर घूमने क्यों नहीं निकलता? बोले गौरांग भाई नाम में तकलीफ है. तो क्या नाम है भाभी का? नाम क्या है? बोले आशा. आशा तो अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है. बोले मेरे नाम में तकलीफ है ना. आपका नाम क्या है? बोले राम. तो राम तो भगवान का नाम है यार, अच्छी बात है. बोले नहीं गौरांग भाई, हम लोग जब भी सोसाइटी में आटा मारने निकलते ना तो सब लोग बोलते देखो देखो आशा राम जा रहे हैं, आशा राम जा रहे हैं, आशा राम जा रहे हैं, आशा जाओ. ताली बजाना, मेरे को पता चला कि आपको पता चल रहा है तो मैं आगे जाऊंगा. अमिताभ बच्चन आए कच्छ में. अमिताभ बच्चन आए और बोले कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई. लेकिन आपको बता दो, अमिताभ बच्चन भाई एक ही बार आए, उन्होंने भी दूसरी बार कच्छ में आने का नाम नहीं लिया. यहाँ पे लोग इतने खतरनाक लोग यहाँ पे. अमिताभ बच्चन को कच्छ में आने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी नई पिक्चर तो सब याद रखते, पुरानी पिक्चर कौन याद रखता है? पुरानी पिक्चर किसको याद है? तो ऐसा शहनशाह वाला कॉस्ट्यूम पहन के आए और कच्छ में आटा मारने निकले. उनकी तकलीफ ये हो गई कि वो लोग मिले गुजराती लड़के को, गुजराती काका के पास चले गए. यहाँ पे गुजराती लोग कितने ज्यादा आवाज करे, गुजराती लोग मेक सम नॉइस, आवाज करो ने. हाँ जो हमें बोलिया,
तो गुजराती काका के पास चले जाते हैं ऐसा सेंस का कॉस्ट्यूम पहन के, और वहां पे मफत काका ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके पास जाते हैं, क्या बोलता है अमिताभ भाई, मैं क्या बोलता हूँ आपको, भनका रहे वक्त है भनका रहे, ये भनका क्या होता है, वो कांडी वक्त है, टूट टूट वक्त है, कुछ भी बोलता है आपको लगता है भनका रहे वक्त, मतलब क्या होता है ये भनका, मतलब मैं अभी तक कुछ बोला नहीं फिर बोलता है, क्या बोलता है क्या बोलता है, आप अपने कान का इलाज करा अमिताभ बच्चन भाई, उनको लगा इसको डायलॉग बोलता है इसको याद आएगा कि मैं कौन हूँ, ओए मफटला रिस्ट में तुम तुम्हारे पाप लगता है नाम है चेंज है ये अमिताभ बच्चन भाई, मेरे बाप का नाम है रमेश भाई, है रमेश भाई, और आपका नाम भी ना अमिताभ है, अमिताभ है चेंज है नहीं, आप गफले मत करो अमिताभ बच्चन भाई, गफले मत करो अमिताभ बच्चन को गुस्सा कर अमिताभ बच्चन ओए हम हम रिस्ट में तुम तुम्हारे पाप लगता है नाम है चेंज है ये अमिताभ बच्चन भाई, आप मेरे बाप, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आप मेरे बाप हो, मेरी माँ ने भी मेरे को कभी नहीं बताया कि आप मेरे बाप हो, पहली बार का चाहे हो अब 25-30 साल पहले आए थे मेरे को नहीं पता था, और अगर मैं आपका लड़का हूं तो ये अभिषेक, ये अभिषेक की जगह पे अभी मैं होता, उस गधे को तो एक्टिंग भी नहीं आती, डांस भी कैसे करता है, ऐसे से डांस करता है, पूछता है हमको है ना, अरे वो क्या बोलूं तुम्हारे क्या क्या नहीं, अभिषेक के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं मैं अमिताभ भाई मैं क्या बोलता हूँ पर्सनल मत हो, मैं क्या बोलता हूँ अमित अभिषेक के ना आपकी इतना लंबा हो गया लेकिन आपकी इतनी लंबी बुद्धि नहीं है उसमें, ओए क्या बात बताए इतनी अच्छी अच्छी सुपर हिट पिक्चर की बात मत करो अमिताभ बच्चन भाई, अभी आपने प्यार किससे किया रेखा लॉम्बी से, लेकिन आपने शादी किससे की दया बाठी से, मैं भी उसको यही बोलता था कि तू प्यार हो रहा है लंबी से लेकिन तू शादी कर रानी बाटी से, अभी देखो लंबा हो गया, बोलो क्यों लंबा हो गया, नहीं देखो पूरा दिन ऐश्वर्या की आदत जगह लगाए Yeah? उसका कुछ विकास नहीं होना, आप तो बात सही कर रहे हो, मतलब अभिषेक का कोई विकास नहीं हुआ, यह बात नहीं मुझे मोदी जी को बतानी पड़ेगी, मोदी जी आपने गुजरात का विकास किया अब इंडिया का विकास कर रहे हो, मोदी जी जरा मेरे अभिषेक का भी विकास कर दो, थैंक यू। अभी आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि ये मुंद्रा में जो शो हो रहा है 8 नवंबर में दो ऐसी मुद्राएं बंद हो चुकी जिसमें आज भी इंडिया शॉक में है, पता है ना सबको, अब आपको नहीं पता है ऐसे ही एक एनुअल शो में मोदी जी आए थे और ये जो भाई साहब यहाँ पे गाना गा रहे थे वहां पे एक बहनजी गाना गा रही थी और तब मोदी जी ने वो गाना सुना तब मोदी जी को आइडिया आया कि ये 500 और 1000 की नोट बंद करनी चाहिए, वो कौन सा गाना था मोदी जी की आवाज में खुद आपको सुनाता हूं, मोदी जी को नोटबंदी का आइडिया मुंद्रा में आया एक कॉन्सर्ट में कौन सा गाना सुनने के बाद आया मोदी जी खुद, भाई मानो मैं मुंद्रा गया था वहां पे अदानी जी के फंक्शन में मैंने गाना सुना, गाना था मुंबई की ना दल्ले वालों की ये पिंकी है पैसे वाला, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि इन भ्रष्टाचारी लोगों को ये काले धन छुपाने वाले लोगों को पिंक कलर बहुत पसंद है, मैंने क्या किया मैं तुरंत जेटली जी को फोन किया होगा, जेटली जी तुरंत के तुरंत ये पिली और लाल कलर की नोट बंद कर दी जाए और एक पिंक कलर की नोट बनाई जाए, मैंने एक बड़ी नोट निकाल दी और भ्रष्टाचारी लोगों को ये लगा कि पहले 500-1000 लूटते थे अब 2000 लुटेंगे और मोदी जी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको पता नहीं मैं अभी गुजराती हूँ गुजराती, मैंने क्या किया मैं तो मैंने 2000 की नोट में एक GPS का चिप लगा दिया, ये भ्रष्टाचारी लोग जहां पे भी 2000 का नोट छुपाएंगे वहां पे पकड़े जाएंगे, आपको ये आइडिया अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा तो बजाओ ताली, ताली बजाइए, और मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों भाइयों बहनों अदानी मेरे साथ है, अदानी जी अंबानी जी मेरे साथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं गुजरात में इतनी बार सीएम रहा, एक बार पीएम बन चुका 2019 में फिर से पीएम बनूंगा, लेकिन मित्रों जितना भी चाहे नोटबंदी हो जाए जितना भी चाहे GST हो जाए लेकिन एक बात कहता हूं कि मैंने तालियों पे कभी GST नहीं लगाया, तालियों पर मैंने कभी GST नहीं लगाया ना कभी लगाऊंगा, मैं तो इस कार्यक्रम में पूजा बोल बोल के थक गई कि तालियां बजाओ तालियां बजाओ तालियां बजाओ, आप देखो मैं तो आप गुजराती आप गुजरात में रहते हो एक बार दिल खोल के सबके लिए ताली बजा दो, अपने आप के लिए ताली बजा दो मैं तो,
और देखिए हमारे गुजरात में ना गुजराती का हर प्रकार से विकास होता है। अब कैसे भी देख लो विकास होता है। हम लोग शादी भी करते हैं, हम लोग एफडी रखते हैं, डबल हो जाता है। हम लोग कुछ भी करते हैं, डबल हो जाता है। इवन हम लोग जब शादी करते हैं तो हमारे एंगेजमेंट में हम लोग वाइफ भी चूज करते एकदम पतली वाली। हम गुजराती लोगों की पहली पसंद होती है पतली लड़की। आप हमारी वाइफ की फोटो देखो एंगेजमेंट में एकदम पतली पतली, लेकिन शादी के 5 साल बाद की फोटो देखो डबल। तब जब हम गरबा में जाते हैं, ऐसे किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वाइफ याद करती है पुराने दिनों को और आईने में देखते देखते अपने हस्बैंड को बोलती है, डार्लिंग तुम्हें याद छे ने, आपको याद है ना 5 साल पहले, 5 साल पहले मेरी फिगर बिल्कुल पेप्सी की बोतल की तरह थी 5 साल पहले। पति बोलता है, डार्लिंग आज भी तेरी फिगर बिल्कुल पेप्सी की बोतल की तरह ही है, मतलब फर्क सिर्फ इतना है पहले 250 ml की थी अभी 2.5 लीटर की है। पति लोग हंसे लेकिन ताली नहीं बजाई क्योंकि हिम्मत कैसे की बाजू में बैठे। अच्छा गुजरात में नहीं, मैंने यहाँ पे देखा कि ट्रांसफर होती देती है सब स्टेट में, गवर्नमेंट जॉब जितने लोग करते हैं उनकी ट्रांसफर होती है। मेरे सामने एक घर है, वहां पे एक यूपी से एक किसी का ट्रांसफर हुआ होगा, वो रहने के लिए आए होंगे और बड़ी अलग ट्रेंड की वो महिला थी। क्या हुआ कि मैंने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा पूरा डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। मतलब उन्होंने लाल कलर के जूते पहने थे, लाल कलर की साड़ी पहनी थी, बैंगल्स पहने थे कौन से कलर के, लाल कलर के, बिंदी लगाई थी लाल कलर की, लिपस्टिक की थी लाल कलर की। लेकिन यूनिकनेस ये थी, उन्होंने जो सिंदूर धरा था मांग में वो था, वो लाल कलर का नहीं था, वो था ग्रीन कलर का। ये ना मैंने इतना सारा इंडिया घूम लिया, मैंने ऑरेंज कलर का देखा है, मैंने लाल कलर का देखा है, लेकिन मैंने कभी ग्रीन कलर का नहीं देखा। होगा यार कॉन्ट्रास्ट करते हैं लोग आजकल सीरियल्स में देख के, क्या होगा। दूसरा दिन हुआ, उन्होंने ऑरेंज कलर के जूते पहने, साड़ी ऑरेंज कलर की पहनी, बैंगल्स ऑरेंज कलर के पहने, बिंदी ऑरेंज कलर की और सिंदूर लगाया कौन से कलर का, नहीं बेटा ऑरेंज नहीं, वो भी ग्रीन कलर का ही लगाया। ये क्या चक्कर है। तीसरे दिन मैंने देखा कि उन्होंने साड़ी पहनी पीले कलर की, चप्पल पहने पीले कलर के, बैंगल्स पहने पीले कलर का, बिंदी लगाई पीले कलर की, लेकिन सिंदूर वापस से ग्रीन कलर का। अब मैं उससे रुका नहीं गया, मैं गया चौथे दिन, मैडम जी अब बुरा मत मानो, आपसे एक बात पूछनी है। बोले क्या है। मैडम मैं आपका, आपको मैं दोस्त देखता हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप ये जो अपना स्टाइल है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो आप, जानना क्या आपको, मैं सिंदूर के बारे में जानना चाहते हो ना। हाँ हाँ आपको कैसे पता, सब लोग यही पूछते हैं। आप टेंशन मत लो, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। तो क्या पर्सनल प्रॉब्लम है। बोले उसमें ऐसा है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो रेलवे में है, लाल देखते खड़े हुए जाते हैं, ग्रीन देखते तभी घर में आते हैं, इसलिए मेरे को ग्रीन लगाना पड़ता है। ये भगवान इतना सारा चक्कर है। लेकिन ये मेरी लास्ट मैं बात बोलूंगा, एक्चुअली ये जोक्स नहीं है, ये कोई एक मैसेज है सभी यहाँ पे जितने भी पंडित लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए खास ये है। मेरी कोई बात सुनो ना सुनो, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, और जिनके होने वाले हैं वो भी सुन लो, और जिनके घर पोते पोती है वो भी सुन लो। बच्चों के सामने जो भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि बच्चों का दिमाग ना कंप्यूटर की तरह होता है। कंप्यूटर में और बच्चे में सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि कंप्यूटर में हमें जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तब मिलती है, और बच्चों में जब नहीं चाहिए होती तब मिलती है। जितनी बातें पापा बाइक पे करते हैं वो सारी एक्टिवा पे रिपीट होती है, और घर में महाभारत होती है। एक दिन एक बच्चे को मम्मी एक्टिवा पे ले जा रही थी, और अचानक बच्चे को कुछ याद आया, बोला मम्मी 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 पापा तो ऐसा कहते थे कि एक से बढ़के एक फटाके यहीं पे रहते। कोई बात नहीं बेटा, चलो घर पे चलो, देखो पापा के फटाके फूटते हैं।
तो देखिए किसी की दिवाली के बाद भी दिवाली ना निकल जाए उसका ध्यान रखना, और जो भी बच्चों के सामने बोलना वो सोच समझ के बोलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तालियां।